टेंशन का शारीरिक कनेक्शन, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमको छोटी छोटी बातों में टेंशन आते रहते हैं, स्ट्रेस आता है। फिर जब स्ट्रेस आता है तो बेचैनी होती है, घबराहट, सीने में धड़कन, अच्छा नहीं लगता। और स्ट्रेस तो किसी को कोई भी काम का, कोई भी बातों का आता है। कोई घर पे नहीं आया जल्दी, लेट आ गया, बच्चों का फेल्योर है, बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया, बच्चे ने खाना नहीं खाया, या नींद नहीं आ रही, या फाइनेंशियल लॉस है, मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हमको टेंशन आते रहता है। जब जब भी टेंशन आता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमको शरीर में दिखाई देता है। पूरा बदन में टेंशन का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो कौन सा है? कैसा? दांतों में किटकिटाना, ऐसा कोई लोग दांत खाते रहे, चुभाते रहते हैं। कुछ लोगों का आंखों में मिच 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 करेंगे, है ना, टिक्स आते हैं। कोई लोगों को नींद नहीं आती जल्दी, या नींद खुल जाती है, या सवेरे नींद खुल जाएंगी जल्दी, या रात में नींद खुल जाएंगी, या बुरे सपने आते लोगों को, या कुछ लोगों को बदन के ऊपर खुजली आती है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, ऐसी बीमारियां आती है। तो कुछ लोगों को टेंशन की वजह से बहुत थक जाते हैं, शाम को उनका पूरा जूस निकल जाता है, गारंटी वारंटी सब खत्म हो जाती है। उनको लगता है कि अभी बहुत हो गया, अभी मैं घर जाके सो जाता हूँ। टेंशन इतना रहता है उनको काम का कि उनको कोई सोचता भी नहीं है। फिर घर जाके वो चाय पियेंगे, आराम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे बहुत थक गया हूँ। क्या होता है कि टेंशन से हमारी इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिकार शक्ति जो हमारी बॉडी की है, वो कम हो जाती है। और फिर उसके वजह से बॉडी कोई भी चीज़ को सकम हो जाती है, बलि पड़ जाना, वो हो जाता है बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होने से। किसको? IBS होता है टेंशन की वजह से, इरिटेबल बॉवेल, चिड़चिड़ापन बॉवेल का। महिलाओं में क्या होता है कि पीरियड्स कम ज़्यादा होते हैं, पीरियड्स के समय उनका पेट दर्द होता है। किसी को टेंशन की वजह से डायबिटीज आता है, शुगर बढ़ जाती है, या किसको हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आना, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आना, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना। तो किसको टेंशन की वजह से सर्दी जुकाम होता है बहुत ज़्यादा, बार बार टेंशन से वजह से उनको सर्दी जुकाम ऐसा होता है। तो कुछ लोगों को टेंशन की वजह से बार बार वो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। मतलब देखो, कुछ लोग है ना, एक्सीडेंट उनको बार बार होते रहता है। हमको समझता नहीं कि आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ लग गया, परसों उधर पैर फिसल गया तो वहाँ लग गया, या फिर कभी हाथी काट लेंगे वो चक्कू से या कैंची से वगैरह, ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा। मतलब वो ये व्यक्ति ऐसे गड़बड़ा में रहते हैं, ऐसी चीज़ें भर भर जल्दी जल्दी करने में लगते हैं, उनका ख्याल नहीं रहता है, टेंशन में रहते नहीं है, पड़ कर डालेंगे, वो खाना भी जल्दी जल्दी खाएंगे और प्रॉब्लम कर डालेंगे। तो ऐसे इसमें करना क्या है? हम क्या बोलते हैं, अरे टेंशन लेना छोड़ दो, क्यों टेंशन लेता है? तो ऐसा छोड़ देना, ऐसा कोई टेंशन पकड़ के नहीं बैठता, ना कोई छोड़ सकता है। हमको हमारी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। और लाइफस्टाइल बदलना मतलब क्या है? लाइफस्टाइल बदलना मतलब खान पान टाइम टू टाइम रख रहे, सोना टाइम टू टाइम, नींद 7-8 घंटे नींद ले रहे, बहुत ज़्यादा खाना नहीं, बहुत ज़्यादा पीना नहीं, शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, इसके वजह से टेंशन बढ़ता है। और बहुत ज़्यादा हम जो सोचते हैं, बुरा क्या होगा, कैसा होगा, चिंता, आगे क्या होगा, मतलब जो टेंशन आता है तो हम बुरा ही सोचते हैं। समझो घर पे लड़का जल्दी नहीं आया तो हम सोचो एक्सीडेंट हो गया क्या, लड़की घर में नहीं आई तो अरे क्या हो गया, मतलब हमको बुरा ही आता है। हस्बैंड घर पे नहीं आया तो अभी क्या हो गया होगा। तो ये जो है वो हरदम बुरा सोचना, तो वो कुछ नहीं है। ये हमको विचार आते हैं बार बार, वो टेंशन एक ऐसी अवस्था है कि उसमें नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्साइटेशन में आ जाती है, एक्साइटमेंट में आ जाती है, और उसकी वजह से टेंशन आता है। उसको बाजू में रखो, शांति रखो। बुरे से बुरा क्या होगा उसको एक्नॉलेज करो, बोलना अभी तक तो कभी हुआ नहीं है, अभी तक तो मैंने साल, दो साल, तीन साल से ऐसे टेंशन आ रहे हैं, हुआ तो कुछ भी नहीं है, हरदम ही बुरा सोचा है और घबराहट आई है, ये तो मेरे विचार है। ऐसा अपने आप को जो है वो एक्नॉलेज करके वो विचार लाना। ये विचार कब लाना है? सेल्फ हिप्नोसिस में या मेडिटेशन करने के समय विचार लाना है, और अपने आप को एक स्व बातचीत करना है, स्वयं बातचीत, खुद से बातचीत करना है कि विचार जो है ये विचार मेरे है, ये मूड जो है घबराहट का वो मेरा है, ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, मैं ऐसे ही फालतू के ज़्यादा विचार लाता हूँ, फालतू की चिंता करता हूँ, रिलैक्स खुद को करना है, रेगुलर एक्सरसाइज लेना है। बुरे से बुरा क्या होगा वो सोचना है, कुछ नहीं होगा ना, बुरे से बुरे क्या होता है, कभी हुआ ही थे ना अभी तक, तभी कैसा होगा, ये सब सोच है, उसको एक्नॉलेज करना है, तो आप इसमें से मुक्ति हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। दूसरा ये है कि ठीक है,
चलो ऐसा हो रहा है तो होने दो, चलो जान दो, उसके तरफ ख्याल देने का नहीं। क्योंकि आप जितना ख्याल देंगे ज्यादा, जितना घबराहट करेंगे उतनी ज्यादा घबराहट बढ़ती जाती है। सो नॉट टू पे एनी अटेंशन, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा उसके ऊपर ख्याल देने का नहीं है। चलो ये लाइफ स्टाइल है अपनी, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको एक्नॉलेज करो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो, अपना डे क्रिएट करो। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। डे क्रिएट करना के बाद दिन भर में क्या क्या होने वाला है, दिन भर मैं कैसा बिताने वाला हूँ मेरा टाइम, क्या क्या आपत्ति आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसको मैं क्या फेस करने वाला हूँ, कैसा फेस करने वाला हूँ, वो एक प्लान बना लेते तो दिन भर टेंशन ही नहीं आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो कि जो लोग बोलते हैं यार बहुत टेंशन आता है, बहुत प्रेशर चढ़ता है दिमाग के ऊपर, तो उनको ये शेयर करो ताकि वो रिलैक्स रहेंगे और बड़ी बड़ी बीमारियों उनसे दूर रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो हमारा जरूर चैनल सब्सक्राइब करो। आपको सवाल होंगे तो नीचे नंबर दिए हैं, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारा प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप है, वो आप डाउनलोड करो, फ्री है वो, और उसमें फ्री चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।